चूरू जिले की बीदासर उपखंड क्षेत्र की राजकीय सीएचसी में पिछले कई सालों से डॉक्टरों के रिक्त पद चल रहे हैं। वही कस्बे वासियों को सोनोग्राफी व एक्सरे जैसी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। ऐसी अवस्था में कस्बे वासियों को अपने क्षेत्र की अस्पताल को छोड़कर जगह जगह भटकना पड़ रहा है। इस अवस्था में पाली अस्पताल का चिकित्सा विभाग व सरकार द्वारा भी कोई सुध-बुध नहीं ली जा रही है। डॉक्टरों के रिक्त पद को चलते बीदासर सीएचसी में खाली पड़े हैं मरीजों के बेड। बेड पर एक मरीज भी देखने को नजर नहीं आया। राजकीय सीएचसी की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर पिछले 78 दिनों से पार्षद बैगराज नाई के समर्थन में कस्बे वासी धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार व चिकित्सा विभाग का कोई आला अधिकारी धरने का जायजा लेने तक नहीं पहुँचा। कान खोल कर सुन ले सरकार राजस्थान की, और यहाँ के जो मंत्री है वो कान खोल कर सुन ले, अगर बीदासर हॉस्पिटल में इसमें सुधार नहीं होता है तो सरकार के और प्रशासन के समझ में नहीं आएगी। वो काम करेंगे हम, आज इतने दिन हो गए हैं, दुख पा रहे हैं, कुछ नहीं समाधान हो रहा है, तो अब खुली चेतावनी है सरकार को, मंत्री को और प्रशासन को, सबको कान खोल कर सुन ले। अब अगर ये समाधान नहीं होता है तो फिर प्रशासन के भी समझ में नहीं आएगी हम क्या क्या समस्या है इस अस्पताल में, कौन सी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हो आप? इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पे हम कोई मतलब एक्सरे भी नहीं है, सोनोग्राफी भी नहीं है, ठीक है, और सही तरीके से कि कोई बीमार को देखते भी नहीं है, ठीक है। जैसे भी आते हैं और झूठे मूठे लिख के भेज देते हैं, बस ये वो, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चों का डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बच्चों का डॉक्टर होना भी चाहिए। और यहाँ से उतर मिलता है सीधे सुजानगढ़ या बीकानेर जाने को कहते हैं, ठीक है। और हमारा कहना यही है कि यहाँ पे डॉक्टर अच्छा बढ़िया आना चाहिए, बस ये कहना। महिलाओं के लिए यहाँ पर सर्जन डॉक्टर है? नहीं है, कोई सुविधा नहीं है महिलाओं के लिए, कोई सुविधा नहीं है। डिलीवरी होती है तो भी हमको उत्तर मिल जाता है कि यहाँ नहीं, छापर जाओ चारों से बीकानेर, बस यहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ पे अच्छी डॉक्टर आनी चाहिए और बढ़िया मतलब डिलीवरी के लिए भी चाहिए, और हर इंसान को भी ये सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे जो आता है उसी के लिए भी, और पूरी जनता जो आती है उन्हीं के लिए भी। सोनोग्राफी एक्सरे जैसी सुविधा मिलती है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई सोनोग्राफी या एक्सरे वगैरह कोई भी नहीं है, ठीक है। हाँ माता जी, आज आप बीदासर अस्पताल दिखाने के लिए आए हो, क्या सुविधा मिली आपको? सर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, बच्ची को दिखाने आई, चक्कर आ रहा है, उल्टी दस्त हो रही है, कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। कंप्यूटर में दवाई लिख दी, वही पैरासीटामोल है, वही दवाई है दर्द की, और इसके वगैरह कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे धरने पे बैठे उन लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, आज उनको हो गए 5-6 महीने बैठे हुए, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हम लोग धक्के खा के घर जा रहे हैं, हमारे लिए कोई व्यवस्था करो, आप लोग कहाँ जाते हैं, या तो बीकानेर जाओ या जयपुर जाओ, कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। महिलाओं का कोई डॉक्टर है यहाँ पे? नहीं, महिलाओं का है नहीं, कोई बच्चों का है, शिशु रोग के भी कोई नहीं है, बड़ों के भी कोई डॉक्टर नहीं है। जो इंसान धरने पे बैठे उनके कोई नहीं सुन रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं।